दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असल में टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था तो शायद आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको टाइटैनिक से जुड़ी एक ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी बताऊंगा जिसे जानकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या उस रात जो जहाज डूबा था वो सच में टाइटैनिक ही था या फिर कोई और जहाज था जिसे टाइटैनिक की जगह भेजा गया था। तो इस वीडियो में यही जानेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी तो हम सब लोग जानते ही हैं कि कैसे टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पर शायद कम ही लोग जानते होंगे कि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक जैसे एक नहीं बल्कि 3 जहाज बनाए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक पैसेंजर ट्रेड काफी प्रॉफिटेबल था, इसीलिए ब्रिटेन की मशहूर शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने लग्जरी शिप्स की एक कैटेगरी बनाने का फैसला किया और 3 विशाल लग्जरी जहाजों को बनाने का फैसला किया गया। इन जहाजों को बनाने का ऑर्डर हार्लैंड एंड वॉल्फ कंपनी को दिया गया और इन 3 जहाजों के नाम थे ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटैनिक, जिसमें से ओलंपिक और टाइटैनिक के डिजाइनर एक ही थे जिनका नाम था थॉमस एंड्रयूज। 16 दिसंबर 1908 को ओलंपिक का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 20 अक्टूबर 1910 को ओलंपिक बनकर तैयार हो गया। 14 जून 1911 को ओलंपिक ने अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक सफलतापूर्वक पूरी की, लेकिन इसके 3 महीने बाद अपने 5वें सफर के दौरान 20 सितंबर 1911 को ओलंपिक जहाज एक ब्रिटिश नेवी शिप HMS हॉक से टकरा गया जिसमें दोनों जहाजों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन रॉयल नेवी ने इस एक्सीडेंट के लिए ओलंपिक को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना ने ओलंपिक की ओनर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के सामने काफी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि इस घटना के बाद ओलंपिक को मरम्मत के लिए भेजना पड़ा जिसमें काफी खर्चा होना था, और क्योंकि ओलंपिक की इंश्योरेंस कंपनी ने इस नुकसान की भरपाई करने से मना कर दिया तो इसकी मरम्मत का सारा खर्चा व्हाइट स्टार लाइन पर आ गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक का काम भी रोकना पड़ा। इन सब कारणों से कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इस नुकसान से उभरने के लिए कंपनी ने एक सीक्रेट योजना बनाई। कंपनी को अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए किसी एक जहाज को उसकी यात्रा पर भेजना ही था, और कंपनी ने जो किया उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने ओलंपिक की मरम्मत करके उसे टाइटैनिक की जगह खड़ा कर दिया और टाइटैनिक को ओलंपिक की जगह मरम्मत के लिए खड़ा कर दिया ताकि किसी को भी जरा सा भी शक ना हो। देखा जाए तो योजना एकदम सिंपल थी। टाइटैनिक की जगह ओलंपिक को भेजकर बिना किसी की जान गवाए टाइटैनिक यानी ओलंपिक को डुबा दिया जाए और ऐसा दिखाया जाए कि जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, और फिर उसके बाद इंश्योरेंस के पैसे के लिए क्लेम किया जाए ताकि उनके पिछले नुकसान की भरपाई हो सके। इस योजना के पीछे 4 लोग शामिल थे जिसमें व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस स्मे, हार्लैंड एंड वॉल्फ कंपनी के मालिक लॉर्ड पीरी, टाइटैनिक के मेन डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज और व्हाइट स्टार लाइन के मालिक जेपी मॉर्गन। इस योजना के तहत सबसे पहले ओलंपिक को हूबहू टाइटैनिक की तरह बनाना था, और क्योंकि ओलंपिक में टाइल फ्लोरिंग थी इसीलिए सबसे पहले ओलंपिक की फ्लोर पर कारपेट बिछाया गया ताकि जिन लोगों ने ओलंपिक में पहले यात्रा की थी उनके पैरों के निशानों को कवर किया जा सके। इसके अलावा कई और चेंजेस किए गए, जैसे कि ओलंपिक के पुराने बी डेक को निकालकर उसकी जगह टाइटैनिक के नए बी डेक को लगाया गया ताकि देखने वालों को बिल्कुल भी शक न हो, और इस तरह टाइटैनिक की जगह ओलंपिक को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा पर भेजा गया। हालांकि ये दोनों जहाज काफी हद तक सिमिलर थे, लेकिन कुछ चीजें थी जो इनमें एक दूसरे से अलग थी, जैसे कि टाइटैनिक के फॉरवर्ड एंड डेक में 14 इवनली स्पेस्ड पोर्ट होल्स थे जबकि ओलंपिक में 16 अनइवनली स्पेस्ड पोर्ट होल्स थे। लेकिन जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा शुरू की तब इसमें 16 अनइवनली स्पेस्ड पोर्ट होल्स दिखाई दे रहे थे, जिसका सीधा मतलब यही था कि ये जहाज टाइटैनिक नहीं बल्कि ओलंपिक था। इसके अलावा साल 1998 में पब्लिश हुई एक इंग्लिश ऑथर रॉबिन गार्डनर की एक बुक टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक में भी ये दावा किया गया कि डूबने वाला जहाज टाइटैनिक नहीं बल्कि ओलंपिक था। तो क्या इतने सालों से जो हमें बताया गया वो सब झूठ था या फिर ये सब बस एक इत्तेफाक था? आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।